मैम आपके पास, और ये पूछना चाहूंगी कि आप इतने लोगों को एडवाइस देती हैं, जब आप एक महिला को एडवाइस देती हैं तो क्या आपको लगता है कि महिलाओं की फाइनेंशियल प्लानिंग पुरुषों से अलग होती है क्या? डेफिनेटली प्रियंका, ये बहुत ही अहम सवाल है कि महिलाओं को जब हम एडवाइस करते हैं तो पहली बात तो बहुत कम आती है महिलाएं अकेली अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग के लिए। नॉर्मली वो फैमिली अपने हस्बैंड्स के साथ ही आती है, और जब हम डिटेल में उनका सारे गोल समझते हैं और बात करते हैं, जैसे हम गोल बेस्ड फाइनेंशियल प्लानिंग जब शुरुआत उसी से करते हैं और रिस्क एपेटाइट की जब बात करते हैं, तो पता चलता है कि हस्बैंड का रिस्क एपेटाइट अलग है, वाइफ का अलग है। अब उसको कंसोलिडेट करना है, उसको सिंक में चला के उनके लिए एक पोर्टफोलियो बनाना है। बिकॉज टिपिकली यहाँ ऐसा देखा गया है स्पेशली मैरिड फैमिलीज में कि एक ही पोर्टफोलियो रहता है, अलग अलग बहुत कम बनाते हैं। हस्बैंड घर खर्च उठाते हैं तो वाइफ की इनकम से इन्वेस्टमेंट्स होता है, समथिंग लाइक दैट, यू नो, इट्स अ मिक्स थिंग। तो उसमें जब प्लानिंग करते हुए दोनों बातों का ध्यान रखना जरूरी होता है, क्योंकि महिलाएं जो हैं वो थोड़ी रिस्क कम उठाना चाहती हैं। बाय नेचर वो लोग कंजर्वेटिव है, थोड़ी रिस्क एपेटाइट कम है। बिकॉज मुझे लगता है द रीजन बीइंग इज कि वो इतनी मेहनत से बजटिंग करके सेविंग करते हैं, तो उन्हें लगता है कि उनकी सेविंग बहुत सेफ रहे और ज्यादा रिस्क नहीं उठाना चाहती हैं। साथ में वुमेन रिलेटेड जो इश्यूज होते हैं, स्पेसिफिकली मेटर्निटी का पीरियड में उन्हें सबैटिकल लेना पड़ता है, काम से ब्रेक लेना पड़ता है, साथ ही बच्चे पालने के लिए उन्हें जो आवर्स एक्स्ट्रा देने पड़ते हैं, साथ में केयर गिविंग जो होती है घर में, आपने टिपिकली देखा हो, चाहे इन लॉज के वहां कोई ऐसी मेडिकल कंडीशन आई है, या पेरेंट्स के वहां, या खुद के घर में उनके बच्चे बीमार हैं, या कुछ भी ऐसी कुछ भी सिचुएशन आई है, तो वाइफ ओनली हैज टू बी देयर टेकिंग अ लीव एंड स्टफ लाइक दैट। तो उनकी नीड्स और उनकी वॉन्ट्स अलग होती है, उनकी बीमारियां भी कुछ हद तक अलग होती हैं, और सो ये सब ध्यान जरूर रखना चाहिए जब हम एक वुमन का फाइनेंशियल प्लान बनाएं, क्योंकि पीस ऑफ माइंड विद योर पोर्टफोलियो इज अटमोस्ट इम्पॉर्टेंट। आप अग्रेसिव प्लानिंग दे दें और कोई महिला ना चाहे उस अग्रेसिव प्लानिंग के साथ उन्हें एंग्जाइटी हो या उन्हें इनसिक्योर फील हो कि भाई मेरा मार्केट पूल में पूरा पैसा लगा दिया और डूब गया तो क्या होगा, ऐसी प्लानिंग भी हमें नहीं करनी चाहिए। और महिलाओं में ये देखा है प्रियंका कि उनमें पेशेंस बहुत है, एक बार शुरू कर देती है ना फिर वो उसमें ज्यादा आपसे सवाल जवाब नहीं करती, ये एक बेसिक फर्क है। राइट सो मुझे अब ये जानना है कि आपने जैसे कहा था, मैं पूजा से ये सवाल लूंगी कि पूजा, पूना मैम जैसे कह रहे हैं कि महिलाएं अकेले नहीं आती, बट आई एम श्योर अब जो है कई सिंगल वर्किंग वीमेन आपकी तरह जो अभी अभी कमाना शुरू कर रही हैं, जिनकी अभी शादी नहीं हुई है, वो आती है या वो आपको दिखता है वो अपने भाई या फिर अपने फादर पे ज्यादा डिपेंडेंट हैं, और वो जब आती हैं तो उनके लिए आप क्या एडवाइस देती हैं पूजा? जी बिल्कुल प्रियंका, एक चीज मैं यहाँ पे कहूंगी कि काफी रिलेटेबल होता है कि विमेन को एज अ विमेन MFD के पास जाना या फिर विमेन फाइनेंशियल प्लानर के पास जाना एक काफी कंफर्ट लगता है। आई थिंक कहीं ना कहीं ये पॉइंट से मैं ये भी कहना चाहूंगी कि जितने ज्यादा विमेन एडवाइजर्स या MFDs ये प्रोफेशन में आ सकते हैं आज आ जाइए, क्योंकि बहुत कमी है आप लोगों की एंड यू आर वेरी गुड इन मैनेजिंग मनी। सो एक चीज ये हो जाती है कि काफी हद तक मेरे जो क्लाइंट्स हैं मोर देन 50% विमेन हैं एंड सिंगल, जो आप कह रही है बहुत अच्छे से उनको पता है दैट दे वांट टू स्टार्ट समथिंग, अर्निंग शुरू की है, वेदर आप चाहेंगे कि लो इनकम वाले भी क्यों ना हो, चाहे वो जस्ट इंटर्नशिप वाले एज के क्यों ना हो या 30s के एज के क्यों ना हो, जिन्होंने एक दो साल से ही अपनी जॉब शुरू की है। लेकिन एक चीज क्या होती है, वो आती तो अकेली है, उनको करना है निवेश, लेकिन क्या होता है कम निवेश सोच के आती है, जो मेरे हिसाब से जैसे मैं एक्सप्लेन करूं कि फॉर एग्जाम्पल एक सिंगल लड़की के लिए फिलहाल उनके गोल्स क्या होते हैं, अपने रिटायरमेंट के लिए आप प्लान कर लो, अपनी हेल्थ इंश्योरेंस आप अपनी फैमिली से अलग कर लो, अगर आप फ्लोटर प्लान में हैं आप अभी खुद से शुरू करो क्योंकि आपकी टैक्स में आपको उसका बेनिफिट मिलता है, एंड रिटायरमेंट की प्लानिंग तो वेदर यू आर सिंगल और आगे जाके आप शादी भी करेंगे तो भी आपको खुद से ही प्लान करना है। सो ये चीज के लिए जो हम कहते हैं ना एटलीस्ट 10% ऑफ योर इनकम आप साइड में रखें, तो काफी टाइम महिलाएं आती हैं सिर्फ शुरू करती हैं लेकिन अंडर इन्वेस्टेड रहती हैं। लाइक फॉर एग्जाम्पल अगर उनका 50,000 का भी मंथली इनफ्लो है, वो कहेंगी 5,000 से शुरू कर दो,
वो आई ठीक गेस वो है जो पूनम मतलब मामा भी कह रही थी, रिस्क अवर्स होती, रिस्क नहीं लेना चाहती, उनको एक बिल्कुल फर्स्ट, हाँ यू उनको ऑल्सो सेज एसआईपी दैट, तो करनी है, लेकिन एडिक्वेट जो उनको बोलते हैं कि आप एक अभी आपके खर्चे कम हैं, अब ज्यादा एसआईपी में इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हैं, लॉन्ग टर्म की आपकी जर्नी है। सो नंबर वन यहाँ पे इनको एक ये हो जाता है। नंबर टू वेरी इंपॉर्टेंट मेरे हिसाब से, जब महिला कमाना शुरू करती है, यंग सिंगल लड़कियां मैं कह रही हूँ, उनको फाइनेंशियल फ्रीडम अभी से अपनाना है। फाइनेंशियल फ्रीडम मीनिंग इनकम, आप अर्निंग तो आपने शुरू कर दी, लेकिन जो खर्चे हैं ना छोटे छोटे प्रियंका, जैसे फोन का बिल होगा, फ्यूल का बिल होगा, या अपना खुद का जो पर्सनल एक्सपेंसेस होगा, वो अपने फैमिली के मेल मेंबर्स के साथ आप शेयर ना करें, उनको कहे मैं मेरे बिल्स खुद मैनेज करूंगी, मैं मेरे फोन बिल्कुल के बिल खुद भरूंगी। इससे एक हैबिट बन जाएगी कि आगे जाके तो आप लोग नहीं रहने वाले हैं, तो मैं अभी से ही मेरे इनकम में से मेरे जो खुद के पर्सनल एक्सपेंसेस या जरूरी एक्सपेंसेस है उसको माइनस करके मेरी सेविंग अभी से प्लान करूं। तो ये दो राइट, चीजें प्लान करनी चाहिए। ओके, सो वेरी नाइस कि भैया आप अगर सिंगल अर्निंग वुमेन हैं, अपने खर्चों को, अपने एक्सपेंसेस को अपने हाथ में अभी से लीजिए, ताकि आप राइट अमाउंट क्या बचा रही हैं उसका ख्याल रखिए। और निवेश करना है तो रिटायरमेंट का प्लान ज़रूरी है, आपके इंश्योरेंस का प्लान होना चाहिए, और निवेश ना दिल खोल के कीजिए, रिस्क से नहीं डरिए। यहाँ जो तीन देवियाँ मेरे साथ हैं आपके रिस्क को मैनेज करने में मदद करेंगे आपकी। प्रतिभा, आपसे पूछना चाहूँगी, महिलाओं के लाइफ में बहुत सारे स्टेजेस आते हैं, ठीक है, आप सिंगल हैं, तो शादी हुई भाई, फिर आप कपल हो गए हैं, आपके हस्बैंड हैं, फिर आपका आपका बेबी होता है, आपके इन-लॉज हैं, तो बहुत सारे स्टेजेस आते हैं। तो आप क्या एक विमेन का जब आप फाइनेंशियल प्लान बनाती हैं, तो इन स्टेजेस को कैसे कंसिडर करती हैं, और उसके लिए आप क्या एक्स्ट्रा ऐड करती हैं उनके फाइनेंशियल प्लान में? एडिशनल जो है महिला ये नहीं सोचती है कि मेरा करियर है बहुत अच्छा चल रहा है अभी, लेकिन ये नहीं सोचते हैं कि शायद कोई ब्रेक आ सकता है। लेकिन हम देखते हैं काफी सारे महिलाएं ब्रेक लेते हैं, बच्चों के लिए मटर्निटी लीव को एक्सटेंड कर देते हैं 1-2 साल, जब तक बच्चे बड़े नहीं होते तब तक वो ब्रेक ले लेते हैं। कभी कभी फैमिली में इन लॉज या पेरेंट्स बीमार होते हैं तो उनका केयर गिवर, जैसे पूनम जी ने बताया, बहुत प्राइमरी केयर गिवर तो महिलाएं होती है, तो वो ब्रेक लेना जरूरी हो जाता है। तो जब वो कर रहे हैं लॉन्ग टर्म के लिए प्लानिंग तो कर ही लेते हैं, थोड़ा बहुत से स्टार्ट करते हैं लेकिन कर लेते हैं, लेकिन ये नहीं सोचते अगर मैं ब्रेक ले लूंगी, और मैं तो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट वुमन हूँ, मैं अपने सारे खर्चे खुद उठाती हूँ और किसी पे निर्भर नहीं हूँ, सडनली कल किसी ने मुझे बोल दिया कि नहीं अभी आपके पास पैसे नहीं है और आपको हर चीज के लिए अपने मेल मेंबर से पूछना है, तो अपने आप में वो कॉन्फिडेंस थोड़ा कम हो जाता है। अगर मैरिड कपल है तो हो सकता है कितने भी अच्छे क्यों ना हो हस्बैंड और कभी क्वेश्चन ना पूछे तो भी आप सोच समझ के खर्चा करेंगे और अपने कपल डायनेमिक्स में चेंज हो सकता है। इसलिए ये बहुत जरूरी है कि आप ये सोचें कि हो सकता है आपके लाइफ में भी ब्रेक लेने की जरूरत पड़े, और उसके लिए आप एडिक्वेट अमाउंट ऑफ सेविंग्स रखें, कि भले ही आपने एक इक्विटी में ही इन्वेस्ट करना है लेकिन 2-3 साल के लिए अगर आप काम नहीं करेंगे तो आप अपना खर्चा खुद उठा सकते हैं, ऐसा एक कॉर्पस बना के रखना बहुत ही जरूरी है। मान लो ऐसा कोई ब्रेक लेने की नौबत नहीं पड़ी तो बहुत अच्छी बात, ये तो लंबे गोल के लिए हो जाएगा। दूसरी बात, अपना अपग्रेड करना भी जरूरी है एजुकेशन वाइज, क्योंकि आप ब्रेक लोगे तो आपको वापस आने में थोड़ा एजुकेशन अपग्रेड करना पड़ेगा, टाइम लेना पड़ेगा और पैसे भी लगेंगे, उसका भी एक अलग कॉर्पस बना के रखना जरूरी है कि हमने ब्रेक लिया है फिर भी हम ऑन टॉप ऑफ द सिचुएशन है, वापस आ सकते हैं, इसके लिए हमने ये ब्रेक में अपग्रेड भी किया। तो ये दो बिल्कुल, चीज बहुत जरूरी है कि महिलाओं के इसीलिए लिए। राइट, इसका मतलब ये हुआ कि मुझे एज ए वुमन ज्यादा पैसे बचाने हैं और ज्यादा इन्वेस्ट, उस पैसे को जो मैं बचा रही हूँ उसे इन्वेस्ट करना है। और पूजा यही पॉइंट आउट कर रही थी कि आती है निवेश करने पर कम करती हैं, जो उनकी ज़रूरत है उसे नहीं समझती हैं। आपको ये समझना होगा कि आपके गोल्स जो हैं थोड़े से जो हैं पुरुषों से अलग होते हैं, ब्रेक आपको लेना पड़ेगा, और वापस वर्कफोर्स में आना उतना आसान नहीं है जितनी महिलाएं हैं जो इसे फेस कर चुके हैं, वो भली भांति समझती हैं। लेकिन एक डिफिकल्ट स्टेज के बारे में मैं अब बात करना चाहूँगी पूनम मैम आपसे। आपने काफ़ी कठिन समय अभी देखा, आपके हस्बैंड लंबे समय तक बीमार रहे, नहीं है, आई एम श्योर ये जो मेंटल ट्रॉमा आपका है उसको मेरे कोई भी शब्द कम नहीं कर सकते हैं, पर इन सब में आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग ने आपका बहुत साथ दिया, जो आप मुझे समझा रही थी, और मैं चाहती हूँ कि आप इसे शेयर करें ताकि और भी महिलाएं समझ सकें कि इन सिचुएशंस को हैंडल करने के लिए एक औरत को थोड़ी सी एक्स्ट्रा तैयारी करनी होती है।
फाइनेंशियल प्लानिंग के लिहाज से भी। हाँ प्रियंका, इट्स यू आर वेरी राइट कि फाइनेंशियल प्लानिंग, मेरी पर्सनल फाइनेंशियल प्लानिंग ने मुझे बहुत साथ दिया। मेरी प्लानिंग मेरे साथ खड़ी रही, ऐसा मैं कह सकती हूँ। फॉर वन होल ईयर आई वॉज नॉट वर्किंग, आई वॉज लिटरली एट होम गोइंग टू द फॉर हॉस्पिटल्स, डॉक्टर्स, दिस दैट। मगर मेडिक्लेम था मेरे पास जो मुझे बहुत मददगार सिद्ध हुआ। और जैसे पूजा और प्रतिभा बार बार बता रहे कि ये बिजनेस कितना अच्छा है, तो मैं कहूंगी कि LIC जो है वो मेरे साथ खड़ी रही, वहां से कमीशन आते रहे, म्यूचुअल फंड के कमीशन आते रहे, तो मुझे वो भी तकलीफ नहीं हुई। और साथ ही जो प्लानिंग मैंने की थी एज अ फैमिली, मैं और मेरे हस्बैंड ने, हालांकि मैं कहूंगी कि इट वॉज नॉट ईजी टू ब्रिंग हिम इन टू द फाइनेंशियल प्लान, बिकॉज बींग अ बिजनेस फैमिलीज, नॉर्मली बिजनेस में सब लोग वापस बिजनेस में पैसे लगाते हैं, उसको अलग से निकाल के इन्वेस्ट नहीं करते। मेरे लिए ये स्ट्रगल रही थी शुरू से, क्योंकि माइंडसेट जो था बहुत स्ट्रिंजेंट था घर में सभी का, कि क्या म्यूचुअल फंड है, क्या SIP है। बट फिर भी मैंने, मी बीइंग लिटिल स्ट्रॉन्ग अबाउट माय थॉट्स, मैंने टॉपअप प्लान्स ले रखे थे मेडिक्लेम के, जो मुझे बहुत मददगार सिद्ध हुए। मेरी जो रिस्क प्रोफाइल, यानी जिसे हम लाइफ इंश्योरेंस कहेंगे, वो अप्रोप्रिएट थी। हालांकि आई वुड से अप्रोप्रिएट इतनी नहीं थी, बट फिर भी इनफ थी, बिकॉज आई एम अर्निंग वुमन माई सेल्फ, तो शायद मुझे इतनी उसकी। बट अगर कोई फीमेल काम नहीं करती है और उसके पास ऐसी कोई सिचुएशन आती है, तो उसे इतना पैसा जरूर होना चाहिए कि आगे की जिंदगी सेम तरीके से बिता सके फाइनेंशियली। इमोशनली तो बहुत सारे वैक्यूम्स और डेंट्स आ जाते हैं, बट मैं उसी घर में रह सकूं, मैं वही गाड़ी चला सकूं, मैं वही लाइफस्टाइल मेंटेन कर सकूं, मैं बच्चों को वो सभी प्रोवाइड कर सकूं जो हम एज अ फैमिली करते थे, मैं सिंगल होके भी वो कर सकूं। इतनी हमारी प्लानिंग जरूर होना चाहिए, बिकॉज प्रियंका यू कांट, आई कांट पुट इट इन टू वर्ड्स इनफ, एक शो कम होगा बताने के लिए किस किस तरह की तकलीफें आ सकती है बिल्कुल और कितना कितना उसमें आपका, अगर फाइनेंशियल प्लानिंग सही ना हो तो आपके जो एफर्ट्स और आपका स्ट्रेस और आपकी ग्रीफ कितने गुना बढ़ सकते। बिल्कुल मैम, बट थैंक यू सो मच आपने ये डिस्कस करना चुना हमारे साथ, क्योंकि पूनम मैम सिर्फ ये मैसेज देना चाहती हैं कि देखिए ये तकलीफ़ कभी बता कर नहीं आती। और हमेशा मैंने बीमा के साथ एक बात कही है कि आप आंखें बंद करके सबसे बुरा वक्त सोचिए, और वो सोच करके आपके पास इनफ इंश्योरेंस होना बहुत ज़रूरी हो जाता है, एंड दैट इज़ वाई इंश्योरेंस बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब मैं आप लोगों की फाइनेंशियल प्लानिंग पर अगर बात करूं, सो पूनम मैम, आप अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग जब करती हैं तो क्या क्या देखती हैं, और क्या क्या चीज़ें आपके फाइनेंशियल प्लान में, आपके पोर्टफोलियो में हैं? प्रियंका, मेरी फाइनेंशियल प्लानिंग चलते हुए काफी समय हो गया। अभी हमारे गोल अचीवमेंट के टाइम आए, माय किड्स आर ग्रोन अप, उनके बस शादी बाकी है और घर में ये हादसा भी हो गया, सो एवरीथिंग इज चेंज्ड। बट शुरू से जो हमने प्लानिंग की थी वो टाइम टू टाइम, बिल्कुल जैसे हम बताते हैं, इट्स नॉट ओनली फॉर एडवाइजिंग क्लाइंट्स, ये हम खुद के लाइफ में भी करते हैं कि जैसे जैसे फेजेस लाइफ के बदलते हैं वैसे हम रिव्यू करते हैं और अपने फाइनेंशियल नीड को, जो गोल के लिए जितना पैसा चाहिए उसको इन्फ्लेशन के साथ मैच करते हुए उसे रीवर्क करते हैं। हमेशा जब हम रिव्यू की बात करते हैं तो मेरा फोकस ये नहीं होता है कि मैं मेरे एग्जिस्टिंग इन्वेस्टमेंट्स कहाँ कहाँ उन्हें बदलूं, मेरा फोकस ये होता है कितनी मेरी इनकम में चेंज आया है, मेरे गोल्स में इन्फ्लेशन की वजह से कितना फर्क आया, उसमें मुझे कितनी इन्वेस्टमेंट और करनी पड़ेगी, या डेट में मेरा एलोकेशन कितना है अभी और कितना उसको एज के साथ मुझे चेंज करना है। दीज आर माई प्राइमरी पॉइंट्स ऑफ रिव्यू, तो जो हम टाइम टू टाइम करते रहे, तो आई हैव अ नाइस मिक्स ऑफ लाइक एज पर माई एज एंड माई प्रोफाइल, आई हैव अ नाइस मिक्स ऑफ पेंशन प्लान्स, आई हैव रिटायरमेंट NPS अपनी जगह पे है, साथ में म्यूचुअल फंड का जो पोर्टफोलियो है वो हाल ही में मैंने थोड़ा कंजर्वेटिव किया है, जैसे हम बात भी कर रहे हैं, वी आर लिटिल कंजर्वेटिव बाय नेचर। और साथ ही स्टॉक्स का जो पोर्टफोलियो है वो विच आई कीप फॉर अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, फॉर अ लॉन्ग होराइजन, जिसे मैं चर्न नहीं करती, वो भी अपनी जगह। तो जो हम एडवाइस करते हैं वो हम, मैंने सभी कुछ अपने पास भी लेके हुआ है, बिकॉज देन आई गेट द फुल कन्विक्शन टू गाइड माई क्लाइंट्स ऑल्सो। अब मेरा कन्विक्शन और ज्यादा बढ़ गया, बिकॉज आई हैव लाइव एग्जाम्पल टू गिव, क्यों,
क्यों ये सब कुछ होना चाहिए आपके पोर्टफोलियो में, सही राइट समझा। बिल्कुल। सो पूजा, आप रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए, क्योंकि आपके और पूनम मैम के रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए निवेश क्या अलग होगा, या फिर आपकी जैसे एक यंग लेडी भी क्या चुनती है अपने रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए, आप क्या सलाह देती हैं कि पोर्टफोलियो में रिटायरमेंट के लिए आपको कहाँ निवेश करना चाहिए? जी बिल्कुल प्रियंका, जैसे हम अलग अलग एज ब्रैकेट्स वाले फाइनेंशियल प्लानर्स के साथ बात कर रहे हैं, सो ऑब्वियसली क्योंकि मैं एक यंग एज के हिसाब से, क्योंकि रिटायरमेंट को और टाइम है, मुझे तो ऐसे लगता है कि अगर हम उसको बहुत ही फंडामेंटली ना भी सोचें तो कोई 60 पे रिटायर नहीं होता है, स्पेशली जो खुद से भी काम करते, जो जॉब भी कर रहे, वो भी मैं तो कहूंगी ऑल्टरनेट सोर्स ऑफ इनकम ढूंढे, बिकॉज 60 के बाद रिटायर होके भी क्या करना है यार, 80-85 तक लाइफ एक्सपेक्टेंसी है, 20-25 साल का समय है, सो शायद इससे हम एक ब्रेक भी कर ले कि ठीक है, एक ऐसी एज पे लेके आए जहां से मंथली इनकम वगैरह आना शुरू हो जाए। तो जैसे मैंने कहा, जो मेरी जर्नी रही है बीइंग अ सिंगल टिल नाउ, आई डोंट नो व्हाट्स द नेक्स्ट स्टेप, सो मेरे लिए एक कंफर्ट लेके आना बहुत जरूरी था कि मैं इतना इन्वेस्टमेंट रखूं जो फिलहाल मेरे एक्सपेंसेस को टेक केयर करे, आगे रिटायरमेंट के लिए मेरे पास और 20-30-25 साल का समय है, तो मैं अभी से मेरी SIP इतने अमाउंट की है मेरे मंथली इनफ्लो की कि मेरा रिटायरमेंट आराम से टेक केयर हो जाएगा। प्लस एट द सेम टाइम मैं लोन फ्री हूँ, मैं डेट फ्री हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है मुझे लगता है, पर मैं ये नहीं चाहती या नहीं एक्सपेक्ट करती कि हर इंसान इस एज पे डेट फ्री हो, क्योंकि होती है काफी लोगों की नीड्स, काफी लोगों के पास उस तरीके की सहूलियत नहीं होती है, इनकम बहुत कम होती है तो लोन्स लेते हैं। सो ये जो एक समय है ना प्रियंका, 30-40 का, 45 तक का, उसमें शायद आपको लोन्स भी आएंगे, लेकिन आपको डिफरेंशिएट करना है कि आपके गुड लोन्स बैड लोन्स क्या है, आप बहुत ज्यादा पर्सनल लोन्स ना ले रखें। इसके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट सीख है कि आप जल्दी शुरू करें, शायद मैंने इतना जल्दी शुरू नहीं किया, मुझे खुद को जब मैंने शुरुआत की तब मैंने सबसे पहले अपने से ही शुरुआत की। जैसे पूनम ने भी कहा, हम एज फाइनेंशियल प्लानर्स ना, हम हमारे पेरेंट्स की ही सबसे पहले, मैंने मेरे पेरेंट्स की SIP शुरू की, जो मुझे पता ही नहीं था कि उन्होंने कोई म्यूचुअल फंड शुरू रखा है, उनको उनका सब कुछ इन्वेस्टमेंट वॉज इन LIC, एवरीथिंग। आई टोल्ड देम दैट म्यूचुअल फंड, SIP, FDs में इतना सब इन्वेस्टमेंट था, सब ब्रेक किया, लिक्विड फंड्स, प्रॉपर चर्निंग ऑफ पोर्टफोलियो, म्यूचुअल फंड, SIPs, मैंने मेरी शुरू की। तो अब क्योंकि 10 साल में मैं देख रही हूँ कि क्या रिटर्न्स बने हैं, तो अब मेरा खुद का कन्विक्शन इतना अच्छा हो गया कि शायद आपके फंड, आपका पर्टिकुलर जो स्कीम है वो शायद अंडर परफॉर्म कर रहा है, लेकिन नेक्स्ट कमिंग 10 इयर्स, 20 इयर्स तक आपका जो पोर्टफोलियो है वो इतना अच्छा कमाल का रिटर्न बन जाए, आपका बन जाएगा ना, कि आपको बिल्कुल भी लुक बैक करने की जो किसी के ऊपर डिपेंडेंट होने की। तो मेरा पर्टिकुलर एक यही है कि मेरे ट्रैवल्स वो टेक केयर हो जाए ये एज में, कि आई एम मैनेजिंग इट ऑन माई ओन, इफ आई वॉन्ट टू परचेज सम ज्वेलरी आई कैन डू इट ऑन माई ओन। सो मैंने कार भी खरीदी अभी, सो माई थिंग वॉज दैट आई डोंट वॉन्ट टू हैव अ लोन, सो मैंने इन्वेस्टमेंट को इतना इतना ज्यादा निकाला अपने इनफ्लो में से कि एक बार वो इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो क्रिएट किया ना, उसके बाद वो असेट खरीदने की या वो एक्सपेंस करने की जो सेटिस्फैक्शन होती है बहुत अच्छी होती है। तो मैं ये मैसेज देना चाहूंगी कि आपके खर्चे जो है ना उसको इस तरीके से मैनेज करें, आपकी जो गोल्स है, आपकी जो ड्रीम्स है, उसको ऐसे टाइम पे पूरा करें जब आप आपके इन्वेस्टमेंट में से निकाल के उसको यूज करें, ना कि लोन्स वगैरह लेके। सो बिल्कुल, लोन से दूरी रखो और अपने पैसे का मालिक बनो और अपना अपने खर्चों को संभालो पूरी तरह से। जैसे कि पूजा बता रही थी, बहुत ट्रैवल करती हैं, घूमती हैं, तो सारा खर्चा खुद करती हैं। ज्वेलरी खरीदना हम सबको ख्वाहिश रहती है, तो ज्वेलरी खरीदने के लिए भी उन्हें किसी के पास हाथ नहीं फैलाने पड़ते, वो अपने पैसों से कर रही हैं। बट वॉट आई रियली लाइक पूजा, कि आपने कहा कि मैंने सबसे पहले अपनी फैमिली से शुरुआत की, और यही बात हमें पूनम मैम ने भी बताया कि अपनी फैमिली, अपने हस्बैंड को कन्विंस किया कि भाई ऐसे आपको निवेश जो है अपना प्लान करना चाहिए। प्रतिभा, आप बताइए, जब आपने शुरू की ये जर्नी, तो आपने अपनी पहली कौन सी निवेश की गलती जैसे सुधारा? जैसे पूजा ने तो अपने फादर, अपने पेरेंट्स के पोर्टफोलियो को सुधारा, आपने भी ऐसी कोई गलतियां देखी थी किसी के पोर्टफोलियो में या खुद के पोर्टफोलियो में, निवेश के पोर्टफोलियो में, जिसको आपने सुधारा? एक्चुअली गलतियां तो था नहीं, लेकिन मेरा बिहेवियर में बहुत बड़ा गलती था। मैं भी नॉर्मल, जैसे हम मीट करते हैं महिलाएं,
मैं सोचती थी हस्बैंड तो इज टेकिंग केयर ऑफ द इन्वेस्टमेंट्स, तो मुझे जरूरत नहीं है टेक केयर करना, तो साइन करती थी चेक को और फॉर्म्स को वगैरह, और मुझे पता था कि कहाँ पे इन्वेस्ट हो रहा, लेकिन इतना मैं खास इंटरेस्ट नहीं लेती थी। एक फ्रेंड थे जो बहुत स्टॉक मार्केट में मतलब डूबे हुए रहते थे, उन्होंने बताया ये स्टॉक में इन्वेस्ट करो, हमने कर दिया। उसके बाद उन्होंने बोला अभी बेच दो, और वो बेचने के लिए हमें फुर्सत नहीं मिला क्योंकि बोथ वर सैलरीड एंड एम्प्लॉयड एंड टाइम नहीं था। जब हम बेचने गए तो उन्होंने बताया डीमैट करोगे तो ही बेच सकते हैं, वो टाइम था 15-20 साल पहले। हमने डीमैट करने के लिए, हमारे पास टाइम नहीं था, हमने रहने दिया। वो बहुत इतना गिर गया डीमैट होने के बाद, हमने बोला इतना पैसे से क्या करना, रहने दो। और वो आज की तारीख में 100 बैगर हो गया। जब वो 2 और 3 बैगर हो गया तब मुझे पता चला कि ये बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट व्हीकल है वेल्थ बनाने के लिए, और हमारे लिए फाइनेंशियल फ्रीडम बहुत जरूरी था, इसी माध्यम से हम वेल्थ बनाएंगे। तभी मैंने इंटरेस्ट लिया उसमें, और उसके बारे में पढ़ा, उसका कोर्सेस किया, और समझ में आया कि इक्विटी इज द ओनली वे टू बिल्ड वेल्थ। सो ये जो बहुत बड़ा गलती है कि नजरअंदाज कर दिया कि कोई और कर रहा है, वो सुधर गया बाई चांस, क्योंकि एक अच्छा एक्सपीरियंस हुआ और हमें समझ में आया कि हमें भी इंटरेस्ट लेना चाहिए इसमें। एंड टू बाइंड इज बेटर देन वन, राइट? तो वो एक डायरेक्शन में खींच रहा है, मैं कोई और डायरेक्शन में खींचूं तो नहीं होगा। हम दोनों ही उस पे फोकस थे कि हमें फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए और अभी चाहिए, और इसके लिए हमें इक्विटी में बहुत ज्यादा इन्वेस्ट करना पड़ेगा। आज के तारीख में भी हमारे सारे जो इन्वेस्टर्स है, कस्टमर्स है, उनसे कहीं ज्यादा परसेंटेज में हमारा इन्वेस्टमेंट्स है, रिटायरमेंट का इन्वेस्टमेंट्स है, वो इक्विटी में ही है। और अगर मार्केट गिरता भी है, कोविड टाइम्स जैसे 30% भी गिरता है, तो हम आराम से सोते हैं, हमें पता है कि हमारा लंबे समय अवधि का इन्वेस्टमेंट है और वो अच्छी खासी परफॉर्मेंस देगी, आज नहीं तो 3 साल बाद, हमें कोई जल्दी नहीं है। ओके, सो लॉन्ग टर्म के आप निवेशक हैं, इसलिए आप चैन से सोती हैं, उसको लेकर चिंता नहीं करती हैं। मैं अब क्विकली कुछ पूछना चाहूंगी। पूनम मैम, आपको याद है आपका पहला निवेश और आपके इन्वेस्टमेंट की कोई एक गलती जो आप हमें बताना चाहेंगी, जो हम आज के लिए आपसे एक सीख अगर हम मांगे तो पूनम जी की क्या सीख होगी? आपका पहला निवेश क्या था अगर आपको याद हो तो, और आपके निवेश की गलती कोई जो आप सबको बताना चाहेंगी? जैसे प्रतिभा ने कहा, गलती तो शायद नहीं थी, पर हाँ ये डिसिप्लिन की जो बात है बस वही थी कि हमने सोचने में थोड़ा देर लगा दिया। मैंने तो मेरी SIP वगैरह शुरू कर दी थी, पर फैमिली को कन्विंस करने में थोड़ा समय लग गया, उसे मैं गलती मानूंगी। क्योंकि अगर आप एक कंपाउंडिंग का कैलकुलेशन करेंगे तो आप 1 महीने भी अगर लेट करते हैं अपने इन्वेस्टमेंट को, तो उसका बहुत बड़ा हर्जा आपको हर्जाना देना पड़ता है। तो हमें तो कम से कम 3 से 4 साल की लेट हो गई थी वो करने के लिए, तो वो ही गलती मानूंगी मैं। और हाँ, काफी छोटी छोटी गलतियां थी, पर लेट शुरू करना मुझे लगता है कि हमने ओके, गलती की। और आपका पहला निवेश आपको याद है पूनम मैम? बिकॉज आई स्टार्टेड माई करियर एज अ LIC एजेंट, मेरा पहला निवेश LIC पॉलिसीज में था। ओके, ऑल राइट। और पूजा, आपसे पूछूं मैं गलती? आप कहेंगी भाई आप लोग तो CFP हैं, आपसे तो कोई गलती ही नहीं हुई है कभी। नहीं, ऐसा नहीं है। जैसे मैंने कहा, मैंने शुरू किया था ना प्रियंका, तब एक क्या बोलते हैं, एक थोड़ी बहुत एक्साइटमेंट थी कि मैं स्टॉक में इंट्राडे करूं। सो मुझे बराबर याद है कि मैं ना 9 to 3 बैठती थी उस टाइम पे, और मैं देखती थी कि कौन से अच्छे अच्छे स्टॉक्स एंड ऑल दैट। सो एक चीज सीखने की मिली कि उस टाइम पे मैंने कोई ऐसा पता नहीं रैंडम सा स्टॉक खरीदा था, किसी ने मुझे कहा था नोन सोर्स से। आज तक इट्स बीन व्हाट, मोर देन 15 इयर्स, मैं उसको सेल नहीं कर पा रही हूँ क्योंकि कोई वैल्यू बची ही नहीं है उसमें। तो एक चीज सीखने को ये मिली, जो बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज भी है, मैं कहूंगी कि जैसे हमको लगता है ना कि हम किसी को पूछें, हम बातें करते हैं सोशल में कि अरे ये अच्छा इन्वेस्टमेंट है, अरे ये अच्छा म्यूचुअल फंड है, आप ले लो, और काफी टाइम लोग ले लेते हैं, लेकिन आपके लिए वो अच्छा है, आप किस तरीके से उसको मैनेज करेंगे ये हमको कोई नहीं बताता है। जैसे हम दवाई के लिए किसी को नहीं पूछते ना कि भाई कौन सी दवाई खा लूं बता लो, हम जाते तो डॉक्टर के पास ही, हम बिल्कुल भी डिस्कशन नहीं करते चाहे कितना ही नॉन सोर्स क्यों ना हो, क्योंकि हमको पता है डॉक्टर हमारा रिपोर्ट चेक करके हमको बताएगा। सो आपको रिपोर्ट चेक करने के लिए आप आपके एडवाइजर डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाइए, आपको समझिए एंड फिर ही आप निवेश करिए। सो ये मुझे सीखने मिला कि भाई ऐसे ही रैंडम से कुछ भी आप खरीद मत लो, फिर बिक नहीं पाएगा वो। ठीक है, तो सुनी सुनाई बातों पर फैसला नहीं कीजिए, एक्सपर्ट से, प्रोफेशनल से एडवाइस लीजिए।